नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू ट्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 6। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर बॉर्न मैकाडम रोड्स के बारे में, यानी कि WBM रोड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि WBM रोड्स आखिर होते क्या है, यानी कि इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं कि WBM रोड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यार, कई लोग सोचते हैं कि जो WBM रोड्स होते हैं वो देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वो जो है देखने में कुछ ऐसे होते हैं। क्यों, शौक लगा क्या? ऐसा ही होता है WBM रोड्स। अगर आपको नहीं पता था तो इनकेस इसलिए बता दिया। WBM रोड्स का फुल फॉर्म होता है वाटर बॉर्न मैकाडम रोड्स, यानी कि एक ऐसा रोड का सरफेस जिसको हम लोग वाटर के थ्रू बॉन्ड करते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले वाटर बॉर्न मैकाडम रोड का पूरा अच्छा से मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा वाटर बॉन्ड का मतलब है वाटर के द्वारा बॉन्ड किया हुआ रोड, और मैकाडम का मतलब होता है कि रोड सर्फेस, रोड पेमेंट जो होता है, रोड सर्फेस जो होता है उसी को हम लोग मैकाडम बोलते हैं। एक्चुअली जो मैकाडम वर्ड है वो एक इंजीनियर के नाम से आया है जिनका नाम था जॉन्स एल मैकाडम। तो यार, चलिए देखते हैं कि वाटर बॉर्न मैकाडम रोड्स को आखिर बनाया कैसे जाता है, यानी कि प्रोसीड्यूज टू कंस्ट्रक्ट वाटर बॉर्न मैकाडम रोड्स। तो चलिए देखते हैं। तो यार, जो WBM रोड्स होते हैं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, रोड वर्क का कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, वन ऑफ द ईजिएस्ट रोड वर्क्स में आता है। और इनको बनाना काफ़ी आसान है, बस हमें जो है बेस कोर्स बना के, सब ग्रेड बना के रोड वोड चला देना है, बस ऐसा ऐसा कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेजेस को हमें परफॉर्म करना पड़ता है इसको बनाने के लिए। तो यार, यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेज आता है प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड्स, जो कि हमें हर एक रोड में करना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ बेस कोर्स, फिर आता है हमारा इंटरमीडिएट लेयर्स, उसके बाद आता है हमारा वियरिंग सर्फेस, एंड लास्ट में आता है हमारा सोल्जर्स। तो चलिए देखते हैं इन सभी स्टेजेस को थोड़ा सा और डिटेल में, और जानते हैं इनको थोड़ा सा और गहराई से। तो यार, स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं WBM रोड का, जिसमें आपको सभी तरह के लेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सबग्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, बेस कोर्स देखने को मिल जाएंगे, इंटरमीडिएट लेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी डायग्राम से हम लोग पता करने वाले हैं कि कौन सा लेयर किसका है, कौन सा सबग्रेड है, कौन सा बेस कोर्स है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे नीचे में जो गोल गोल रबल्स दिख रहे हैं ना, हाँ, उससे भी नीचे में जो एक लेयर दिख रहा है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग सबग्रेड। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबग्रेड को प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबग्रेड को प्रिपेयर किया जाता है रोड रोलर से कॉम्पैक्ट करके। जो हम लोग कोई भी देखते हैं ना, आप लोग जब नया रोड बनता है तो क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी को छीलते हैं, लेवलिंग करते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, रोड रोलर चलाते हैं, अच्छी तरह से मिट्टी को कॉम्पैक्ट करते हैं, ताकि हमारा कहीं पर भी लूज मिट्टी ना रह जाए, ताकि हमारा रोड का क्वालिटी जो है वो अच्छी तरह से बरकरार रह सके। तो इसीलिए हम लोग जो है उसमें रोड रोलर चलाते हैं। और ये जो रोड रोलर्स होते हैं, इनका जो कैपेसिटी होता है वो 8 टन से लेकर 10 टन तक का जनरली होता है सबग्रेड्स में। तो 10 टन के रोड रोलर्स को हम लोग जो है सबग्रेड्स प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, और अच्छी तरह से मिट्टी को कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद जो है अच्छी तरह से उसमें कैम्बर वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं, जितना हमारा कैम्बर या फिर इंक्लिनेशन में रोड चाहिए होता है वो सब हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको कैम्बर के बारे में नहीं पता है तो पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सभी छोटे छोटे टर्म्स को पूरी तरह से जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही था हमारा सबग्रेड्स। तो आगे हम लोग का आता है फिर बेस कोर्स। तो दोस्तों, इस फिगर में जो आपको सबग्रेड्स के जस्ट ऊपर में कुछ गोल 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 पत्थर दिख रहे हैं ना, वही है हमारा बेस कोर्स। तो दोस्तों, जो हमारा बेस कोर्स होता है ना, वो जनरली हैंड पैक्ड होता है, यानी कि हाथों से उसको पैक किया जाता है, पत्थरों को जो है हाथों से वहाँ पर डाला जाता है है। और ये जो पत्थर होते हैं वो जनरली 15 से लेके 25 सेंटीमीटर्स तक के थिक हो सकते हैं, थिक लेयर में डाले जा सकते हैं। और इनको जो है हम लोग रोड रोलर से बाद में जो है लास्ट में कॉम्पैक्ट कर देते हैं। और जब हमारा कॉम्पैक्शन पूरी तरह से यूनिफॉर्मली परफॉर्म हो जाता है तो हमारा जो बेस कोर्स है वो रेडी हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है इंटरमीडिएट लेयर्स को जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इंटरमीडिएट लेयर्स में हमारे बेस कोर्स के ऊपर में जो आपको छोटे छोटे स्टोन्स दिख रहे हैं ना, जिनका जो साइज़ है वो हमारा 10 से 15 सेंटीमीटर्स तक का होता है, और इनको हम लोग
बेस कोर्स के ऊपर डालते हैं ताकि हमारा कहीं कहीं जो छोटा मोटा गैप्स होता है वो इन स्टोन्स की वजह से फिल हो सके। और फिर से हम लोग उसके ऊपर फिर से एक बार वो रोलर को चलाते हैं, और चलाने के बाद एक बार पहले उसको ड्राई रोल करते हैं, यानी कि सूखा सूखी दो रोलर को चलाते हैं, और एक बार उसको हम लोग पानी दे करके, पानी छिड़क करके, यहाँ पर देखिए वाटर आ गया ना वाटर बॉन्ड मैकाडम में, तो पानी अब छिड़क दिए। पानी छिड़कने के बाद एक बार फिर से उसमें रोलर हम लोग चला देते हैं, जिसके कारण उसमें जो है बॉन्ड अच्छी तरह से पकड़ लेता है और बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। तो यार इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वियरिंग सरफेस। तो वियरिंग सरफेस में हम लोग जनरली कुछ स्टोन्स वगैरह तो डालते नहीं है, इसमें हम लोग कह सकते हैं बहुत ही फाइन एग्रीगेट्स डालते हैं। कह सकते हैं जो बालू डास वगैरह होता है ना, जो हम लोग रोड में देखते हैं ना डास जिसको बोलते हैं, वो सब हम लोग वहाँ पर छिड़कते हैं, ताकि हमारा जो छोटा मोटा जो वॉइड्स बचा हुआ रह जाता है उनको हम लोग फिल कर सके रोड के ऊपरी लेयर में। तो उसको फिल करने के लिए हम लोग जो है फाइन एग्रीगेट्स को, बहुत ही फाइन एग्रीगेट्स को जो है यूज़ करते हैं, डास वगैरह जो होता है ना उनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो उनको हम लोग डालने के बाद से फिर हम लोग एक बार उसमें रोलर जो है ड्राई रोलिंग करते हैं। ड्राई रोलिंग करने के बाद फिर से एक बार उसमें वेट रोलिंग किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा पानी छिड़कने के बाद उसमें फिर से एक बार वेट रोलिंग करते हैं। और वेट रोलिंग करने के बाद उसे जो है हम लोग ओवरनाइट जो है ऐसे ही रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए और अपना जो है बॉन्डिंग अच्छी तरह से बना सके सभी स्टोन्स के साथ। तो दोस्तों एक दिन के बाद जैसे ही वो पूरी तरह से सूख जाता है, तो हम लोग फिर से एक बार वहाँ पर ओवर व्यू करने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि कहीं और अगर वॉइड्स थोड़ा बहुत छेंदा वोना अगर बच गया है, तो वहाँ पर हम लोग फिर से एक पतला सा लेयर जो है फाइन एग्रीगेट्स का डालते हैं, और फिर से एक बार ड्राई रोलिंग वहाँ पर कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग एक हफ्ते के बाद उस रोड को ओपन कर देते हैं ट्रैफिक के लिए, जाओ अब जितना गाड़ी चलाना है। तो दोस्तों इसी के बाद हमारा जो WBM रोड है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमें कोई भी बिटुमिनस सर्फेसिंग नहीं चाहिए होता है, बिटुमिनस सर्फेसिंग देने से वो हमारा बिटुमिनस रोड बन जाता है। यहीं तक करने से हमारा जो है WBM रोड पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन मैंने आपको एक और टर्म बताया था, है ना, सोल्जर्स के नाम से। तो सोल्जर्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शनल जो है WBM रोड का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइड साइड में दो सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स का मतलब होता है कंधा, रोड का कंधा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग रोड देखते होंगे जब बनता है तो क्या होता है, एक बीच में खुदाई किया जाता है और साइड साइड में कुछ रह जाता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइट रोलिंग कर देता है ताकि वो भी जो है ढह ना जाए, ही ना हो जाए, और थोड़ा सा ऐसे ही जो है खड़ाई चढ़ाई मतलब रख देते हैं। और जहाँ पर नीचे में मेन जो हमारा कैरिज वे होता है वहाँ पर हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो ये सभी थोड़े थोड़े हिस्से छूटे हुए रहते हैं उन्हीं को हम लोग सोल्जर्स बोलते हैं। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग जो है लाइट रोलिंग करते हैं ताकि वो जो है इफेक्ट ना हो जाए हमारे यहाँ पर रोड के, समझ रहे होंगे, कॉम्पैक्शन की वजह से वहाँ पर भी जो है कुछ मिट्टी ढीला ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर भी एक थोड़ा सा हम लोग लाइट रोलिंग कर देते हैं। तो यही था दोस्तों हमारा सोल्जर्स। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो WBM रोड्स है उनको बनाने के टाइम हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस का जो है ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है ताकि हमारा जो WBM रोड है वो खराब ना हो जाए, हमारे रोड के क्वालिटी में कोई भी इफेक्ट ना पड़ जाए। इसीलिए दोस्तों हम लोग कुछ प्रिकॉशंस का ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है दोस्तों हमारा कि हम लोग वहाँ पर जो रोड रोलर यूज करते हैं WBM रोड को कंस्ट्रक्ट करने में, उसका कैपेसिटी जो है वो 8 to 10 टर्न्स का होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ रोलर्स में बताया था ना, टाइप्स बहुत सारे होते हैं रोलर्स के अकॉर्डिंग टू देयर टोनेज या फिर कैरिज वगैरह वगैरह, तो इसी तरह से हमारे जो रोड रोलर्स है वो 8 to 10 टर्न्स वाले कैपेसिटी के रोलर्स ही होने चाहिए, चाहे वो वाइब्रेटरी रोलर्स हो चाहे वो फ्लैट व्हील रोलर्स हो। तो हम लोग यहाँ वहाँ जो है 8 to 10 टर्न वजनी रोलर्स को ही यूज़ करते हैं, कौन सा रोड बनाने के लिए, WBM रोड्स बनाने के लिए। इसके अलावा जो हमारा रोड है उसका कॉम्पैक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, सभी जगह जो है हमारा रोड अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, और हमारा जो रोड का कैम्बर है वो अच्छी तरह से बनना चाहिए, सभी जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए, और जो यहाँ पर हमारा रोलिंग है उसको हम लोग यूनिफॉर्मली परफॉर्म करने के लिए जनरली हम लोग 200 मीटर्स के स्टेजेस में हम लोग जो है उसे परफॉर्म करते हैं। 200 मीटर्स पहले रोल किए, फिर उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट 200 मीटर्स हम लोग जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लोग स्टेजेस वाइज जाते हैं ताकि हमारा WBM रोड का जो सरफेस है वो अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो सके, अच्छी तरह से बन सके।
और भी कई तरह के प्रिकॉशंस हमें देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, रोलर को हमें ज़्यादा स्पीडली जो है नहीं ले जाना चाहिए, हमें जो है रोलर को धीरे धीरे ही ले जाना चाहिए, अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करना चाहिए। और हमें जो है वाटर को ऐसे ही बाल्टी से नहीं फेंकना है, हमें जो है वहाँ पर वाटर को स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकलिंग करके हमें जो है वाटर को वहाँ पर डालना है, ताकि हमारा मिट्टी जो है वो यूनिफॉर्म रेट में जो है गीला हो सके। तो ये सब कुछ हमें प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं WBM रोड्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि WBM रोड्स कैसे बनाया जाता है। तो गुड लक, जाके बनाइए WBM रोड। तो यार, हमने WBM रोड्स कंस्ट्रक्ट तो कर लिया, अब कंस्ट्रक्ट क्यों किया इसका भी तो हमें कोई कारण चाहिए ना, कुछ एडवांटेजेस तो होंगे ना, कुछ फ़ायदे तो होंगे ना, तभी ना हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया। तो दोस्तों, इसके कुछ फ़ायदे तो है। रोड बन गया तो हम लोग इसमें गाड़ी चला सकते हैं, पहला फायदा ये है। इसमें जो है हम लोग मेनली बड़े बड़े व्हीकल्स को चलाते हैं, जो ज़्यादा लोड कैरी करते हैं, और जो जिनका मेटल पहिया होता है, या फिर कह सकते हैं जो कि हमारा बिटुमिनस सरफेस में नहीं चल सकता है, जो व्हीकल्स, उन व्हीकल्स को हम लोग यहाँ चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोड रोलर्स वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब बिटुमिनस सर्फेसिंग में हमारे नहीं चल सकते हैं, लेकिन जो हमारा वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड्स है, यानी कि जो WBM सर्फेसिंग वाला रोड है, वहाँ पर ये सभी जो है आराम से चल सकते हैं। तो ये एक एडवांटेजेस हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस ये है कि इसमें जो है हम लोग काफ़ी हैवी व्हीकल्स को भी चला सकते हैं। और भी कई सारे अनगिनत एडवांटेजेस है इसके। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पर जो है कोई भी स्किल्ड लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती इस रोड के कंस्ट्रक्शन पर्पस में, हम लोग जो है जल्दी से इस रोड को बिना स्किल्ड लेबर के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि हमें जो है इस रोड को बनाने का जो एक्सपेंस है, यानी कि खर्चा जो है वो भी काफ़ी कम पड़ेगा, और इसका जो मटेरियल्स है वो भी हमें लोकली काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, लोकल बाज़ार में या फिर लोकल मार्केट में आपको मिल जाएंगे सभी मटेरियल्स, ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मटेरियल का सप्लाई भी आपको बहुत ही सामने में ही जो है अवेलेबल हो जाएगा, सभी जगह में मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं इसके जनरली। तो ये जो है काफ़ी हमारा लेस एक्सपेंसिव, लेस खर्चीला भी बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस तो है दोस्तों कि ये जो सरफेस होता है रोड का, ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिनों तक ये टिकता नहीं है। और यहाँ पर हमारा जो है रोड में गाड़ी जो है ज़्यादा स्पीडली नहीं जा सकता है, क्योंकि ये रोड जो है उतना स्मूथ नहीं होता है जैसा कि बिटुमिनस सर्फेसिंग वाला रोड होता है ना, उतना स्मूथ ये रोड नहीं होता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल कच्चा रोड जैसा ही होता है यार। बस जितना ड्राई वगैरह रहेगा तब तक ये गाड़ी मतलब बढ़िया से चलेगा, और कुछ दिनों में जो है इसका सर्फेस थोड़ा सा ढीला ढाला होकर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस पर हम लोग जो है ज़्यादा फास्टली कार्स या फिर बाइक्स को हम लोग नहीं चला सकते। तो ये बाइकर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये रोड, बाइकर्स के लिए बिटुमिनस रोड इज़ द बेस्ट। और यार, इस रोड का मेंटेनेंस खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसको बार बार जो है मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत जल्दी ये रोड ख़राब जो हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, आगे आने लेक्चर्स में हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।